दोस्तों जवान कोई फिल्म नहीं बल्कि वास्तव में हो रही गंदगी को साफ करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा उत्साह पैदा होता है जो लाजवाब है। दोस्तों इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म को एक बेहतरीन कहानी के साथ कई सारे सामाजिक संदेशों से जोड़ा गया है। दोस्तों ये पूरी फिल्म पैसा वसूल है और एक बात और बता दूं, ये फिल्म गदर 2 से 10 गुना बेहतर फिल्म है। जब आप इसे देखेंगे आप मेरी बात को समझ जाएंगे। दोस्तों 2.5 घंटे की इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे देश में सुधार या फिर बदलाव किया जा सकता है। और दोस्तों अपने बेहतरीन डायलॉग की वजह से शाहरुख खान ने कई लोगों के मुंह परमानेंटली बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग पानी में आती हुई एक लाश को देखते हैं जिसे ठीक करने के लिए वो अपने घर ले आते हैं और उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पूरे शरीर पर पट्टी लपेटी जाती है और काफी मेहनत के बाद वो बच जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वहाँ पर हमला हो जाता है। दोस्तों वो लोग कुछ इस तरह से तबाही मचाते हैं कि बूढ़े बच्चे सभी को मारने लगते हैं और फिर एक आदमी अपने भगवान से सभी को बचाने के लिए फरियाद करता है कि तभी उस बंदे को होश आ जाता है और सभी की अच्छे से धुनाई करना शुरू कर देता है। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान यानी विक्रम राठौर है। इसके बाद वो सभी उसके सम्मान में झुक जाते हैं। लेकिन फिर विक्रम यानी शाहरुख खान बड़े ही ताज्जुब से पूछता है कि मैं कौन हूँ। फिर एक बच्चा कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पता लगाऊंगा कि आप कौन हो, ये आपसे मेरा वादा है। इसके बाद फिल्म को 30 साल बाद दिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कई लड़कियों की एंट्री होती है जो कि विक्रम की टीम का ही हिस्सा थी, जिसमें सबसे पहले एंट्री होती है लहर खान की, जिनका फिल्म में नाम है कल्कि, जो कि पेट से थी। फिर हेलेना को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप की मदद से सिग्नलों को हैक करके मेट्रो की पटरी लाइन में छेड़छाड़ कर रही थी। और इसके बाद जानवी को भी दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि हेलेना ने ट्रैफिक सिग्नलों में छेड़छाड़ कर दी है जिसकी वजह से रोड पर एक्सीडेंट भी हो जाता है और वहां पर काफी भीड़ जमा हो जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है कावेरी की, जिसका आज एग्जाम है, इसलिए वो गाड़ी में न जाकर मेट्रो से जाने का सोचती है, मगर उसके पास पैसे खुले नहीं थे। तभी वहां पर लक्ष्मी आ जाती है जो उसके भी पैसे देकर उसे मेट्रो में ले जाती है। और यहीं पर इराम भी खड़ी हुई थी जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसके बाद हेलेना विक्रम को एक मैसेज भेजती है जिससे वो सतर्क हो जाता है और वो एक बैग को लेकर मेट्रो में घुस जाता है। इसके बाद हेलेना मेट्रो ट्रैक को चेंज कर देती है जिससे वो कहीं और जाकर रुकती है। और फिर विक्रम की टीम अपने हथियारों की मदद से सभी को चुप बैठने को कहते हैं, यानी ये लोग मेट्रो को हाईजैक कर लेते हैं और इस बात का रेलवे को भी पता चल जाता है। अब एक पुलिस वाला विक्रम की टीम में से एक लड़की को पकड़ लेता है जो कहता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन विक्रम भी वहीं था और पुलिस वाला उसे देखकर सोचता है कि ये कोई बूढ़ा व्यक्ति है। और इतने में ही विक्रम उसे पटक देता है और यहाँ पर पता चलता है कि शाहरुख खान यानी विक्रम गंजा है। और फिर उस पुलिस वाले के हाथों को बांध कर मेट्रो पायलट का बैग छीन लेता है। फिर वो एक बुरके वाली औरत को गोली मार कर कहता है कि अल्लाह आपको जन्नत बख्शे। इस बात से पूरी मेट्रो में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद विक्रम मेट्रो अधिकारी यानी अनिल को कॉल करके कहता है कि अगर आपको इन 376 लोगों की परवाह है तो ऐसे इंसान से मेरी बात कराओ जो सिस्टम की तरफ से मुझसे बात कर सके। तो इस वजह से नर्मदा राय को इनसे बात करने के लिए बुलाया जाता है। फिर बात करते समय विक्रम कहता है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जिसे बार बार ऑर्गेनाइज करके बेवकूफ बनाया जाता है। नर्मदा फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछती है तो विक्रम कहता है कि भारत का नागरिक। जब वो कुछ नहीं समझ पाती तो विक्रम कहता है कि मेरा मतलब कुछ नहीं बदलता मैडम, मैं बार बार जा जाकर नए लोगों को वोट देता हूँ मगर कुछ नहीं बदलता मैडम, हर बार मैं उम्मीद में रहता हूँ। इसके बाद विक्रम एक गाना चला देता है और कहता है कि इस गाने के खत्म होने के बाद हर एक मिनट पर एक यात्री मारा जाएगा, इसीलिए गाना खत्म होने से पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके साथ होने चाहिए। और इसके तुरंत बाद ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो 5 मिनट के भीतर ही नर्मदा के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही विक्रम किसी को मारने वाला था तुरंत ही मिनिस्टर का कॉल आ जाता है। इसके बाद विक्रम उससे कुछ सवाल पूछने के लिए कहता है और सही जवाब के बदले में वो लोगों की जान बख्शने के लिए कहता है। फिर पहले सवाल के तौर पर विक्रम 10281 नंबर कहता है जिसका वो जवाब नहीं दे पाता। फिर विक्रम बताता है कि तुम्हारे रहते 10,281 किसानों ने आत्महत्या की। अब क्योंकि वो मिनिस्टर जवाब नहीं दे पाया इसलिए विक्रम किसी को मारने ही वाला था, तभी मिनिस्टर कहता है कि एक मौका और दीजिए। फिर विक्रम दूसरा सवाल पूछता है कि यदि एक किसान ट्रैक्टर खरीदता है और दूसरा एक अमीर आदमी
मर्सिडीज जैसी कार लेता है तो दोनों में से किसे सस्ता लोन मिलेगा, लेकिन मंत्री इसका भी गलत जवाब दे देता है। फिर विक्रम कहता है कि ट्रैक्टर के लोन पर ब्याज है 13% और मर्सिडीज जैसी गाड़ी पर ब्याज है केवल 8%। इसके बाद मंत्री कहता है कि इन सवालों के अलावा कोई आपके पास दूसरा तरीका है। फिर विक्रम कहता है कि 40,57,13,556 रुपए। अब मंत्री कहता है कि यदि 5-10 करोड़ की बात होती तो समझ में आता, लेकिन 40,000 करोड़ इतना पैसा हम कैसे दे सकते हैं। फिर विक्रम कहता है कि किसी बिजनेसमैन से ही ले लो, तो मंत्री कहता है कि हम बिजनेसमैन की मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम के लिए कोई बिजनेसमैन पैसा नहीं देगा। फिर विक्रम कहता है कि जब बार बार आप लोग बिजनेसमैन की नैया पार लगाते हो तो बिजनेसमैन भी एक बार तो आपकी मदद कर ही सकता है। फिर विक्रम कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाद आपके पास एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का कॉल आएगा। तो फिर उसी बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, यानी विजय सेतुपति, जिसका फिल्म में नाम है काली। यहाँ थोड़ी देर के लिए उसकी करतूत के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें वो किसी से जबरदस्ती साइन करा लेता है और फिर उसे मार देता है। अब काली के पास फोन आता है, जिसे सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। अब काली मंत्री से बात करता है। फिर मंत्री नर्मदा से कहता है कि उस मेट्रो में काली की बेटी भी है, सारे पैसे देने को तैयार है वो। इसके बाद नर्मदा ऐसे करने से रोकती है, लेकिन मंत्री कहता है कि यहाँ आधी से ज्यादा चीजें उन्हीं की मेहरबानी से चल रही हैं, इसीलिए जो कहा जाए उसे करो। इसके बाद विक्रम पैसा भेजने के लिए नर्मदा से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कहता है, जिसके लिए वो एक अकाउंट नंबर भी भेज देता है और कहता है कि पैसा मिलने के बाद ही मेट्रो आगे जाएगी। इसके बाद काली पैसे दे देता है। अब मेट्रो में काली की बेटी यानी कावेरी विक्रम से कहती है कि तुम सब चोर हो, मेरा यूज करके तुमने जबरदस्ती पैसे लिए। अब विक्रम कावेरी से कहता है कि 40,000 करोड़ रातों रात माफ कर दिए गए इस सिस्टम ने तुम्हारे बाप के लिए, सिर्फ 40,000 रुपए के लिए। फिर विक्रम कल्की को आगे लाकर उसके बारे में बताता है कि सिस्टम ने उसके साथ क्या किया। इसके बाद कल्की की फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें उसका बाप एक किसान है, जहां थोड़ी ही देर में कुछ लोग उससे पैसा लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो किसान कहता है कि इस बार बरसात ने सब बिगाड़ दिया, क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी, इसीलिए वो पैसा चुकता करने के लिए 10 दिन और मांगता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उस किसान की धोती खोल देता है, जिससे वो सबके सामने नंगा हो जाता है। और इसके बाद वो किसान का ट्रैक्टर लेकर चले जाते हैं। अब क्योंकि कल्की की आज परीक्षा थी, इसीलिए वो किसान अपनी बेटी को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर जाता है, और उसके चले जाने के बाद किसान ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि किसी पेपर में उसने किसान आत्महत्या के मुआवजे के बारे में जान लिया था। इसके बाद वो आदमी फिर पैसे लेने आता है, तो किसान की बीवी कहती है कि ट्रैक्टर तो लेकर गया था तू। फिर वो कहता है कि उससे तो सिर्फ मूल का पैसा मिला, ब्याज का पैसा कौन देगा। फिर वो उस औरत का मंगलसूत्र भी उतार लेता है। ये देखकर कल्की को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर में फावड़ा मार देती है, जिससे वो मर जाता है। और कहानी फिर से मेट्रो में दिखाई जाती है। अब विक्रम कावेरी को बताता है कि ये कहानी सिर्फ कल्की की नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसान की यही कहानी है। एक बैंक जो किसान को सिर्फ 40,000 रुपए के लिए उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर देता है, और उसी बैंक ने 40,000 करोड़ रुपए तुम्हारे बाप के यूं ही माफ कर दिए, तो हम सब बहुत बड़े चोर हैं। और फिर विक्रम उस लड़की से कहता है कि अपने बाप से जाकर कहना कि तुम आज उससे भी बड़े चोर से मिलकर आई हो। फिर इनके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि मेट्रो में जिस औरत को शुरू में गोली मारी गई थी वो जिंदा थी, यानी उसने मरने की एक्टिंग की थी। इसके बाद पब्लिक उनके लिए तालियां बजाने लगती हैं। फिर विक्रम कैप्टन को जाने देता है और मेट्रो को भी चला दिया जाता है। दूसरी ओर इन्हें पकड़ने के लिए फोर्स को भेजा जाता है। अब नर्मदा विक्रम से फोन पर कहती है कि तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगे, इसलिए अब विक्रम और उसकी टीम मेट्रो के शीशों पर स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बाहर से अंदर का कुछ ना दिखाई दे। और फिर विक्रम की टीम सभी को पट्टियां बांट देती है। फिर जैसे ही अगले स्टेशन पर मेट्रो रुकती है, वहां विक्रम को मारने के लिए स्नाइपर और फोर्स तैयार रहती है, मगर शीशे धुंधले होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अब सबसे पहले एक बच्चा मेट्रो से बाहर निकलता है, जिसके चेहरे पर विक्रम की तरह ही पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर नर्मदा को फायरिंग रुकवानी पड़ती है, और फिर जितने भी लोग मेट्रो से बाहर आते हैं सभी के चेहरों पर वही पट्टियां बंधी हुई होती हैं। इसके बाद एक लड़की रिमोट कंट्रोल की मदद से पास वाली बिल्डिंग में धमाका कर देती है, जिससे कि पब्लिक में हड़कंप मच जाता है और उन्हें वहां से निकलने में आसानी हो जाती है, और ये लोग एक एक करके निकलना भी शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही नर्मदा विक्रम को पकड़ने के लिए अंदर घुसती है, तो उसे पता चलता है कि विक्रम ने एक रिमोटली सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से नर्मदा का बेवकूफ बन जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि विक्रम अभी भी मेट्रो में ही है,
इसके बाद नर्मदा को याद आता है कि जब वो बाहर आ रही थी विक्रम उससे टकराया था, यानी नर्मदा ने विक्रम को पहले ही देख लिया था। अब नर्मदा टीम के एक बंदे से उस अकाउंट को सीज करने को कहती है जिसमें पैसे भेजे गए थे। फिर वो कहता है कि नहीं कर सकते क्योंकि वो सारा पैसा 7 लाख लोगों के अकाउंट में जा चुका है। इसके बाद दिखाया जाता है कि देश के हर उस किसान का पैसा चुकता किया जा चुका है जिसने कर्ज लिया हुआ था। ये देखकर पूरे देश में किसान परिवारों में खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब न्यूज पर भी दिखाया जाता है कि देश के 7 लाख किसानों के कर्ज का पैसा एक ही दिन में एक ही आदमी ने चुकता कर दिया। अब विक्रम को दिखाया जाता है जो अपने गंजे सिर और चेहरे से मास्क को उतार लेता है। अब नर्मदा काली से कहती है कि हमारे पास एक ही सुराग है, वो है 6 लड़कियां, और शायद ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो अगली बार शायद इससे भी कुछ बड़ा करेंगे। और फिर दूसरी तरफ विक्रम भी यही कह रहा होता है कि अभी तो हमें बहुत कुछ करना बाकी है। अब नर्मदा काली को विश्वास दिलाती है कि अगली बार वो बच नहीं पाएगा। दूसरी ओर पता चलता है कि जितनी भी लड़कियां विक्रम की टीम की थी वो सभी किसी महिला जेल की कैदी थी जो वापस से वहीं चली जाती हैं। अब कावेरी अपने पिता काली को बताती है कि उस हाईजैकर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उसने बताया है कि उसका नाम विक्रम राठौर है, यानी विक्रम और काली एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। फिर विक्रम की पिछली कहानी को दिखाया जाता है जिसमें वो एक जेलर आजाद के किरदार में था, जिसमें बताया जाता है कि कैसे आजाद ने उस जेल का नक्शा ही बदल दिया। उस जेल में जितनी भी कैदी थीं, वो विकलांग बच्चों के लिए सामान बनाया करती थीं और सरकारी स्कूलों के लिए वर्दियां बनाया करती थीं। यानी जेल में बिताया गया उनका एक एक पल बाहर के व्यक्तियों की जिंदगी सुधारने के काम आता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि आजाद की शादी के लिए किसी लड़की की लड़की यानी एक छोटी बच्ची उसे देखने आती है। इनकी बातचीत के बाद नर्मदा को दिखाया जाता है जिन्हें विक्रम तक पहुंचने के लिए अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, और जिस पुलिस वाले को विक्रम ने मेट्रो में बांध दिया था उसका भी कुछ अता पता नहीं चलता क्योंकि उस दिन के बाद से ही उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। अब उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि वो लड़की नर्मदा की ही बेटी है, क्योंकि नर्मदा पहले से ही किसी के रिलेशनशिप में थी इसलिए शादी से पहले ही वो माँ बन गई थी, लेकिन बाद में उस आदमी ने नर्मदा को छोड़ दिया था। अब दोनों एक दूसरे को पसंद भी आ जाते हैं, और जैसे ही विक्रम अपने बारे में उसे सब कुछ बताने वाला था कि तभी बच्ची वहाँ पर आ जाती है, और फिर एक गाना दिखाया जाता है, और इसके बाद आजाद एक नए चेहरे को टारगेट करता है जिस पर लिखा होता है कि जस्टिस फॉर ईरान। ये आदमी स्वास्थ्य मंत्रालय का भार संभाले हुए है जो किसी मंच पर बताता है कि उसने देश के अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है, और दूसरी तरफ असल जिंदगी की सच्चाई को दिखाया जाता है। इसके आगे वो कहता है कि अगर यहाँ पर भी मुझे कोई गोली मार दे तो भी मुझे प्राइवेट अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं, पास ही के किसी सरकारी अस्पताल में ले जाना, मैं वहाँ पर भी बचा लिया जाऊँगा। यकीन नहीं आता तो चलाओ गोली मेरे सीने पर। और इतने में ही विक्रम की टीम की एक लड़की उसे गोली मार देती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, और मंत्री को एम्बुलेंस में डालकर इलाज के लिए लाया जाता है। लेकिन पता चलता है कि गाड़ी में तो मंत्री था ही नहीं क्योंकि उसे आजाद ले जा चुका था, और उसी गाड़ी में वो लड़कियां भी होती हैं जिन्हें देखकर मंत्री का आदमी उन पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अब आजाद फिर से एक नए लुक में आता है। इसके बाद डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए कुछ सामान लाने के लिए कहता है। अब नर्मदा आजाद से पूछती है कि इस बार कितने पैसे चाहिए, तो आजाद बताता है कि इसी अस्पताल में 3 साल पहले एक सच को छुपाया गया था, इसीलिए वो इस सच को कबूल करें, वरना इसके लिए एक फूल की माला तैयार रखना। अब काली हेल्थ सेक्रेटरी यानी जॉर्ज को कहता है कि सच बोल दो। फिर जॉर्ज कहता है कि सच बोला तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और काली कहता है कि नहीं बोला तो जान चली जाएगी। तो इस तरह से जॉर्ज को भी सभी के सामने सच बोलना ही पड़ता है, जिसमें वो बताता है कि आज से 3 साल पहले एक के बाद एक 60 बच्चों को किसी बीमारी के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था जो कि ईरान की देखरेख में थे, जिसमें ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कमी से उनकी जान जा सकती थी। इस वजह से वो हेल्थ सेक्रेटरी यानी जॉर्ज को फोन करके इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए कहती है, लेकिन वो ठीक से बात नहीं करता। फिर ईराम कहती है कि अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। फिर जॉर्ज कहता है कि तुम जितने ऊपर तक जाओगी उतना ही ज्यादा कमीशन खाकर बैठे हैं लोग, इसलिए तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकती हो। अब ईराम कई लोगों से सिलेंडर के लिए मदद मांगती है मगर उसे मदद नहीं मिलती, और जब हॉस्पिटल वापस आती है तब तक वो सभी बच्चे मर चुके थे। अब ईराम इस बात के लिए केस भी कर देती है मगर उल्टा उसी को दोषी ठहराया जाता है, जिसके लिए ईराम को जेल भी भेज दिया जाता है, और इसके लिए उसे बदनामी भी झेलनी पड़ती है। फिर स्वास्थ्य मंत्री भी न्यूज चैनल पर आकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं, और इसके बारे में जानकर नर्मदा भी रोने लगती है। अब नर्मदा आजाद से पूछती है कि तुम अब क्या चाहते हो। फिर आजाद कहता है कि
मैंने तुम्हें 234 अस्पताल की एक लिस्ट भेजी है। अगले 5 घंटों में ये सारी चीजें यहाँ होनी चाहिए और फिर काम शुरू हो जाता है। यानी ये फिल्म आपको संदेश देती है कि जो काम नेता 5 सालों में भी नहीं कर पाते, अगर वो ठान लें तो वही काम 5 घंटों में भी हो सकता है। तो इस तरह सभी अस्पतालों में जरूरत का सभी सामान पहुंचा दिया जाता है और जनता में चारों ओर विक्रम राठौर का नाम छा जाता है। अब इन सबको पकड़ने के लिए नर्मदा वहीं पर आ जाती है, जो काफी फोर्स के साथ आई हुई थी, और काफी लड़ाई के बाद वो एक लड़की से पूछती है कि कहाँ है विक्रम, और फिर विक्रम भी वहीं पर आ जाता है जिसने वहाँ पर पहले से ही लैंडमाइन को बिछा के रखा हुआ था, जिस वजह से वहाँ पर चारों ओर विस्फोट हो जाता है। और अब नर्मदा विक्रम को पकड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से दोनों में काफी देर लड़ाई होती है। लेकिन फिर विक्रम हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए भागता है, वो चढ़ तो जाता है लेकिन नर्मदा उसका मास्क खींच लेती है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन उस मास्क में उसके बाल चिपके हुए थे। फिर जांच से पता चलता है कि वो बाल 20, 30, 40 यानी अलग अलग एज ग्रुप के बाल थे। इसके बाद नर्मदा एक फोटो को दिखाकर कहती है कि डिपार्टमेंट के किसी आर्टिस्ट को बुलाओ और इस फोटो का 35-40 के सभी पोर्शन मुझे कल ला कर दो। अब एक कहता है कि कल तो आपकी शादी है। फिर नर्मदा कहती है कि अगर कोई जरूरी बात हो तो मुझे जरूर बताना। अब काली अपने भाई से कहता है कि जब तक मैं रशिया से वापस नहीं आ जाता तब तक ठंडे दिमाग से काम लेना। अब एक तरफ नर्मदा की शादी होने वाली है और दूसरी तरफ विक्रम का फोटो स्केच बनाया जा रहा था और वो बन भी जाता है। इसलिए अब ईरानी नर्मदा को फोन करता है, लेकिन उसकी बेटी उससे बात नहीं करने देती और उसका फोन कट कर देती है और फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। अब विक्रम कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, काफी दिनों से कोशिश भी कर रहा हूँ मगर बोल नहीं पाया। लेकिन उसी समय विक्रम की टीम विक्रम को कॉल कर देती है और जब नर्मदा अंदर जाकर अपना फोन देखती है तो वो जान जाती है कि उसका पति ही विक्रम राठौर है और वो विक्रम को गोली मार देती है। लेकिन विक्रम का फोन भी उस समय लाइन पर था, इसलिए वो लड़कियां भी हेल्प के लिए विक्रम के पास आने के लिए चल देती हैं। और फिर काली के गुंडे, जिसमें काली का भाई भी आया हुआ था, ये सभी नर्मदा और विक्रम दोनों को उठा लेते हैं और फिर दोनों की धुनाई करते हैं और फिर वो नर्मदा को गोली मार देता है। और फिर विक्रम की टीम के कुछ करने से पहले ही काली के कई लोग मारे जा चुके होते हैं, क्योंकि अब एंट्री होती है दूसरे शाहरुख खान यानी असली विक्रम राठौर की, जो सभी को मार देता है और काली के भाई को ऊपर भेज देता है। फिर दिखाया जाता है कि विक्रम की टीम को भी उसके बारे में पता था। अब काली को दिखाया जाता है जो विदेशियों को भारत में अपने बिजनेस को करने के लिए कहता है, क्योंकि ये लोग उन फैक्ट्रियों को चलाते थे जिनसे आने वाली पीढ़ियों के जीवन को खतरा हो जाए। लेकिन इनकी फैक्ट्रियां तभी हिंदुस्तान में चल सकती हैं जब हिंदुस्तान में काली की सरकार हो, और इसके लिए वो सभी राजी भी हो जाते हैं। और इतने में ही काली के पास उसका इमरजेंसी कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसका भाई मार दिया गया है। ये देखकर काली पूरे शहर में आग लगाने की बात कहता है। इसके बाद नर्मदा को दिखाया जाता है, जो बताती है कि इसी जेल का जेलर यानी आजाद और इसी जेल की 6 लड़कियां भी उस दिन क्राइम सीन पर थीं, क्योंकि उनमें से मुझे एक का चेहरा अभी भी याद है। फिर इन सभी लड़कियों में एक कॉमन बात ये है कि ये सभी एक बैरक यानी सेनावास में रहती हैं। इतना जान लेने के बाद भी नर्मदा इन लड़कियों को नहीं पकड़ती, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था और नर्मदा जानती थी कि मारने पीटने के बाद भी वो अपना मुंह नहीं खोलेंगी। इसीलिए नर्मदा भी अब उनके साथ विश्वासघात करने के लिए तैयार थी। और अब जाते समय नर्मदा अपनी बेटी से मिलती है और उससे कहती है कि जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक तुम किसी से बात नहीं करोगी और तुम किसी का विश्वास भी नहीं करना, केवल ईरानी के अलावा जो नर्मदा के साथ में ही काम करता था। इसके बाद नर्मदा एक कॉलर माइक लगाकर खुद को चोट मारकर उन्हीं की जेल में पहुंच जाती है। इसके बाद वो आजाद के बारे में जानने के लिए वो आजाद की ही बातें करने लगती है और वो कहती है कि वो धोखेबाज है, वो एक क्रिमिनल है। अब उनमें से एक बताती है कि आजाद को जानने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि विक्रम राठौर कौन है और ऐश्वर्या कौन है। इसलिए अब उन दोनों की कहानी को भी दिखाया जाता है। और फिर थोड़ी ही देर में विक्रम को एक मेजर बताता है कि 10 दिन पहले बॉर्डर के पास कुछ आतंकवादियों ने 40 ट्रक ड्राइवर को किडनैप कर लिया था और जब उन्हें बचाने के लिए टीम गई तो वो भी मारे गए और बाकी के जवानों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। इसीलिए विक्रम को उन्हें बचाने के लिए मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है तो उनकी बंदूकें काम नहीं करती, जिसकी वजह से काफी जवान मारे जाते हैं। इसीलिए अब विक्रम कहता है कि उन्हीं की गन का इस्तेमाल करो। यहाँ पर कुछ देर लड़ाई के बाद इन सभी को बचाने के लिए एक जवान अपना बलिदान कर देता है और इस तरह बाकी के जवानों को वहाँ से छुड़ा लिया जाता है। अब विक्रम इसी बात को सभी के सामने कहता है कि कैसे जंग के समय उनके हथियारों ने समय पर काम करना बंद कर दिया और जो जवान पहले भी शहीद हुए उनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि उनके पास भी इसी कंपनी की बनाई हुई बंदूकें थीं। अब विक्रम कहता है कि इसके लिए सप्लायर और डीलर के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाए। और फिर पता चलता है कि
इनके हथियारों का सप्लायर तो काली ही है, जिसे अब समन भेजा गया है। अब काली तर्क देता है कि बंदूक के साथ जो मैनुअल भेजा जाता है उसे कोई पढ़ता नहीं, और जो पढ़ता है वो समझता नहीं, क्योंकि वो विदेशी भाषा में लिखा होता है। इसलिए हमारे जवानों को ट्रेनिंग की जरूरत है, और फिर वो शहीदों को मुआवजा देने के लिए कहता है। इतना सुनने के बाद विक्रम उसे उसके मैनुअल के हिसाब से उसे डेमो दिखाता है, और जब काली कहता है कि अब निशाना लगाओ, तो विक्रम काली पर ही बंदूक तान देता है और शूट करता है, मगर वो बंदूक भी काम नहीं करती। तो फाइनली काली के सभी कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि अगर वो दोषी पाया गया तो उसकी कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से काली विक्रम से बदला लेने के लिए विक्रम के घर पर ही हमला कर देता है, और विक्रम की बीवी यानी ऐश्वर्या को एक पुलिस वाला उठाकर थाने में ले जाता है, जो उससे जबरदस्ती साइन करवाने के लिए कहता है। लेकिन ऐश्वर्या कोई आम लड़की नहीं थी, वो उन पुलिस वालों को शूट कर देती है, जिस वजह से उसे जेल हो जाती है। अब जेल में काली ऐश्वर्या को मिलने आता है। अब ऐश्वर्या काली से विक्रम के बारे में पूछती है, तो फिर दिखाया जाता है कि विक्रम को जहाज में गोली मारकर उसे नीचे फेंक दिया गया था। अब काली ऐश्वर्या को चढ़ाते हुए कहता है कि जब फांसी के बाद तुम मर जाओ तो विक्रम को मेरा जय हिंद बोलना। इसके बाद जब ऐश्वर्या को फांसी दी जाती है तो उसे चक्कर सा आ जाता है, तो पता चलता है कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है। फिर बताया जाता है कि ऐसी स्थिति में जब तक बच्चा 5 साल तक का नहीं हो जाता, तब तक दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती। और जब धीरे धीरे वो बच्चा जेल में ही बड़ा हो जाता है, तो ऐश्वर्या उसे बताती है कि मेरी ही तरह ये सारी औरतें बेकसूर हैं, इसलिए बड़े होकर तुम इन सब की मदद करना। और फिर बच्चे के 5 साल के बाद ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद कावेरी ने ही उस बच्चे को जेल से आजाद किया, और फिर वो पढ़ लिख कर इसी जेल में लौट आता है, और फिर हम सब ने मिलकर एक टीम बनाई। फिर नर्मदा आजाद के बारे में पूछती है, इसलिए अब आजाद को दिखाया जाता है, जहां दोनों शाहरुख खान यानी आजाद और विक्रम दोनों को दिखाया जाता है। इसके बाद उसी पुलिस वाले को भी दिखाया जाता है जिसे आजाद ने मेट्रो में बांध दिया था। दोस्तों, ये वही पुलिस वाला था जिसने बचपन में ही विक्रम से वादा किया था कि वो पता लगाएगा कि वो कौन है, क्योंकि उस समय विक्रम अपनी याददाश्त खो चुका था। और फिर विक्रम के जितने भी दोस्त थे उन सबको मिला, और आखिरकार आज हम सब एक जगह इकट्ठा हो गए। अब आजाद अपने पिता से बात करता है, लेकिन विक्रम कुछ नहीं बोलता, क्योंकि विक्रम की याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई थी। अब काली किसी डील के काम से वहीं रुकता है, और दूसरी ओर इन सभी लड़कियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिसके बारे में विक्रम और आजाद दोनों को पता चल जाता है, जिसे वो वहीं से इंटरोगेशन रूम से देख लेते हैं। अब यहाँ पर ईरानी इन सभी को विक्रम और ऐश्वर्य के बारे में बताता है, और फिर नर्मदा को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं काली के लिए काम करता हूँ, और इन सभी को मारने के लिए एक गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। और फिर ईरानी नर्मदा की लड़की को भी मारने के लिए उसे वहां से निकाल लेता है। दूसरी ओर विक्रम इन्हें छुड़ाने के लिए वहां से चल देता है। अब एक ओर विक्रम उस छोटी बच्ची को छुड़ा लेता है, और दूसरी ओर आजाद नर्मदा को छुड़ाने के लिए, जिसकी वजह से जेल में काफी गुंडे मारे जाते हैं, जिसमें ईरानी भी मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि लक्ष्मी को गोली लगी हुई थी, जो कि नर्मदा को बचाते वक्त उसे लग गई थी, और उसी समय विक्रम भी वहीं पर आ जाता है, जो उसे बचाने के लिए कई बार बिजली के झटके देता है, लेकिन वो बच नहीं पाती, और फिर नर्मदा भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर काली अपना सारा पैसा अपने कैंडिडेट को फंड करने वाला था, इसीलिए वो अपना सारा पैसा कंटेनरों में भेज देता है, और इसी पैसे को चुराने के लिए आजाद और विक्रम प्लान बना रहे होते हैं। और जब पैसे को इन कंटेनरों में लाया जाता है, तो प्लान के मुताबिक विक्रम और उसकी टीम अपना काम करना शुरू कर देती है, जिससे सड़कों पर ही लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। इसके बाद विक्रम आजाद से कहता है कि तुम निकलो, मैं इन्हें देखता हूँ। फिर कुछ देर लड़ाई के बाद विक्रम और उसके दोस्त को पकड़ लिया जाता है, और इसके बाद अपने बाप को छुड़ाने के लिए आजाद टीवी पर आता है, जो कहता है कि ये पूरी जेल हमारे कंट्रोल में है, और इसके 6,000 कैदियों की जान मेरी मुट्ठी में है, और मैं अपनी डिमांड बताने के लिए फिर से 10 बजे आऊंगा। ये देखकर काली सोचता है कि ये शायद विक्रम का ही डुप्लीकेट है, लेकिन विक्रम के दोस्त बताते हैं कि वो विक्रम का ही बेटा है। इसके बाद आजाद से बात करने के लिए मिस्टर माधवन को चुना जाता है। दोस्तों, माधवन कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त है, और वो आजाद को मारने के लिए 100 कमांडो को अंदर भेज देता है। लेकिन अब थोड़ी ही देर में एक सैनिक को बाहर भेजा जाता है, जिसके कपड़े उतार लिए गए थे। वो बताता है कि वो 6 लड़कियां नहीं हैं, बल्कि 6,000 हैं, यानी पूरी एक आर्मी। वो लड़कियां बंधक नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ही हमारे कमांडो को भी पकड़ लिया है, और यहां 10 मीटर की दूरी से लैंडमाइन बिछा हुआ है, इसीलिए यहां से पीछे हट जाओ। ये पक्का करने के लिए माधवन जैसे ही कंकड़ों को उठाकर फेंकता है, तो तुरंत ही चारों ओर ब्लास्ट हो जाता है, इसीलिए सभी को पीछे हटना ही पड़ता है। इसके बाद माधवन को आजाद की डिमांड पूरी करनी ही पड़ती है, जिसमें आजाद
हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति के साइन मांगता है। विक्रम जानता था कि केवल उसके कहने से सरकार साइन नहीं करेगी, इसीलिए उसने पहले से ही देश की सभी वोटिंग मशीनों को चुरा लिया था और इन सभी मशीनों को चुराने का काम नर्मदा को दिया गया था। अब क्योंकि चुनाव भी आने ही वाले थे, अब क्योंकि इतनी मशीनों को बनाने में सालों लग जाते हैं, इसलिए सरकार को भी उसकी बात माननी पड़ती है, जिसमें बताया जाता है कि मशीन के बदले आजाद चाहता है कि 53 फैक्ट्रियों को स्थायी तौर पर बंद किया जाए, क्योंकि इन फैक्ट्रियों के खिलाफ 40,000 केस दर्ज हैं और इन फैक्ट्रियों की वजह से 40 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब क्योंकि विक्रम का रास्ता गलत था, लेकिन उसकी डिमांड एकदम सही थी, इसलिए सरकार को भी साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद उन सभी फैक्ट्रियों को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। अब काली को दिखाया जाता है जो विक्रम के दोस्त को तड़पाते हुए विक्रम से पूछता है कि बोल, जेल का दूसरा रास्ता किधर से है, और दूसरी ओर माधवन आजाद से कहता है कि अब आप ईवीएम मशीनों को बाहर भेज दीजिए, लेकिन वो अभी भी एक डिमांड और पूरी करने के लिए कहता है। और अब आजाद अपनी बात को रखने से पहले अपने चेहरे से मास्क को हटा देता है और सबके सामने आता है, और ये डिमांड खुद आजाद अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कहता है। वो कहता है कि जब आप छोटा सा पैन खरीदते समय भी उसकी घिसाई करके उसे चेक करते हो, और आटा दाल चावल खरीदते समय भी सवाल जवाब करते हो यानी उंगली करते हो, तो इसी उंगली को आप सरकार चुनते समय क्यों नहीं करते? आप अपने नेताओं से पूछिए कि आप मेरे लिए क्या करेंगे और वो देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। और इस तरह की बातचीत को काफी देर सुनने के बाद लोग भी तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बात उसने एकदम पते की थी। इसके बाद आजाद मशीनों को कंटेनरों में भरवा कर माधवन के पास भिजवा देता है, और फिर काली जेल के दूसरे रास्ते से होते हुए विक्रम को गन पॉइंट पर रखकर अंदर आ जाता है। इसके बाद आजाद के लोगों को अंदर बंद कर दिया जाता है और आजाद की अच्छे से ठुकाई की जाती है, क्योंकि काली आजाद से अपने पैसे वापस मांग रहा था। जब वो पैसे के बारे में नहीं बताता, तब काली आजाद के पिता यानी विक्रम को गन पॉइंट पर रखता है, और जैसे ही काली ट्रिगर दबाता है वो गन पहले की तरह ही काम नहीं करती, और इस चक्कर में काली ट्रिगर को कई बार दबा देता है, जिसे विक्रम ध्यान से सुनता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, और वो अपने समय के बारे में सोचकर रोने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर विक्रम काली के हाथों को पकड़कर उसे एक जबरदस्त घूंसा मारता है। इसके बाद काली के गुंडे भी लड़ाई के लिए आ जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर काफी देर लड़ाई होती है, और फिर विक्रम काली की अच्छे से कुटाई करता है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में काली का एक सुरक्षा गार्ड मुराद आ जाता है, जो विक्रम और आजाद को पटक पटक कर मारता है। लेकिन कुछ देर में ही ये दोनों एक सिलेंडर की मदद से उसे कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके बाद काली को फिर मारते हैं और वहीं पर ले आते हैं जहां आजाद की माँ यानी ऐश्वर्या को फांसी दी गई थी। और काली को लटकाते समय ठीक वैसे ही आजाद भी उसे चिढ़ाता है जैसे कि काली ने उसकी माँ को चिढ़ाया था। लेकिन फिर आखिर में काली एक डील करने के लिए कहता है, और जैसा कि पहले भी विक्रम ने कहा था नो डील, और अब भी वो यही कहता है नो डील, और फिर काली फांसी के फंदे पर झूल जाता है, और इस तरह ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म आपको कई सामाजिक संदेश देकर जाती है जो हर किसी की जिंदगी में काफी मायने रखता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के बारे में आपने जान लिया, लेकिन अगर आपने अभी तक फिल्म कमांडो जो कि एक नई वेब सीरीज है, या फिर OMG 2 या गदर 2 जैसी बेहतरीन फिल्मों के बारे में नहीं जाना है, तो आप इनकी कहानियों को सुनने के लिए चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही फिल्मों की कहानियां आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हम मिलेंगे किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर।